नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में। पटना को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का ड्रीम किया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से, और ये भी कहा जाता है कि पटना ड्रीम सिटी है। कहने का अर्थ ये है कि सपने में हम जिस तरीके से सुंदरता देखते हैं, वही सुंदर पटना को बनाने की भी बातें की जाती है यहाँ के सरकार की तरफ से। लेकिन पटना जो कि बिहार की राजधानी है, सबसे प्राचीन राज्यों में से एक बिहार की राजधानी पटना की हाल ऐसी है कि 2 मिनट के बारिश में पूरा का पूरा पटना जाता है डूब। कहने का अर्थ ये है कि इस वक्त हम मौजूद हैं बाईपास यानी कि नेशनल हाईवे के पास में। आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल के माध्यम से आपको पहले हाईवे दिखाते हैं, और रामकृष्ण नगर के पास इस वक्त हम उपस्थित हैं। हाई क्वालिटी रोड है, हर चीज़ यहाँ पर टॉप नॉच है। लेकिन आप देख सकते हैं, आपको रोड की पहले स्थिति दिखाते हैं, आप स्थिति देखिए। यहाँ पर रोड के बगल में बारिश की अगर बात करें तो अभी मुश्किल से 5 से 10 मिनट की या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की बारिश हुई होगी, और उस बारिश में अगर हम बात करें तो पानी आती है, भरती है। लेकिन गर्मी आपको पहले दिखाते हैं कि धूप, आप देख सकते हैं धूप बहुत ज़्यादा है। आप पहले मुझे देखिए, और मुझे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने जिस तरीके का कपड़ा पहना हुआ है, हाफ़ टी शर्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी तो है, धूप तो चिलचिलाती हुई है। तो समझिए कि धूप है तो पानी भी सूख जाती होगी। लेकिन रात को जो 20 मिनट की बारिश हुई थी, उस बारिश का ऐसा कहर हुआ, आप देखिए कि यहाँ की जो सड़क है वो पूरी तरह से डूब चुकी है, आप देख सकते हैं। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे पटना जिसको ड्रीम सिटी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है, यही हाल होता है पटना का कि वो डूबने में देर नहीं लगता है, भले बनने में देर लगे। तो सबसे पहले हम लोगों से बातचीत करेंगे, आप यहीं पर काम करते हैं? ना, हम तो बहुत दूर से आते हैं। अच्छा, क्या है पटना में, मतलब 10 मिनट का भी बारिश होता है तो रोड डूब जाता है, क्या मतलब ऐसा ही रोड बनता है पटना में, राजधानी है बिहार का? हाँ, तो नाला का पानी से है, बारिश के पानी से नहीं है, नाला का पानी है। हाँ, तो इसको कोई मतलब ध्यान नहीं देता है इस पर? कंप्लेन वगैरह लोग करते होंगे ना कि हाँ हमारा रोड ऐसा है, तो दुकानदार ना करेगा। अच्छा अच्छा, आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ। अच्छा, बिहार का राजधानी है पटना, पता है ना? हाँ। स्मार्ट सिटी है, हाल देख रहा, हाल तो आपके सामने होगा, पूरा कैसे चलेगा फिर, बनाने पड़ेगा, कुछ करेगा, कंप्लेन वगैरह तो होता होगा ना? पूरा होता है, मरीज फिर भी नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। अच्छा बताइए, ये भी पटना को बाहर में लोग जाते हैं तो स्मार्ट सिटी के नाम से जानते हैं कि पटना स्मार्ट सिटी, यहाँ जगह भी ऐसा ऐसा, यहाँ पे मौर्य लोक है, फिर सुमान भवन है, गांधी मैदान है, बहुत प्राचीन प्राचीन चीज़ भी है। लेकिन लोग यहाँ पे आके देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, पटना तो हो ही नहीं सकता। सही बात है, कहाँ है, किसका गलती है? गलती किसका रहेगा, गलती सरकार के रहेगा, और किसका रहेगा? सरकार इस पर ध्यान का नहीं देता है, ध्यान कौन देगा? सरकार को नहीं देना चाहिए ध्यान, सरकार ध्यान देगा तो ऐसे रहेगा, अब ऊपर फोर लाइन है, नीचे अथी है, रोड बनाना चाहिए ना। वही तो बात है, आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि जिस तरीके से हम लगातार बातें करते हैं पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को ही नहीं, केंद्र सरकार भी बिहार में जब आते हैं तो बिहार को सही बनाने की बातें करते हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि सही बनाने की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है वो आपको देख सकते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि नाला का पानी है, लेकिन हम बताते हैं, कल को हम यहाँ पर आए थे और कल यहाँ पर ये स्थिति नहीं थी। तो बेशक ये नाला का पानी तो होगा नहीं, क्योंकि कल 20 मिनट की बारिश हुई थी और वो बारिश की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो है रामकृष्ण नगर का जो रास्ता है वो डूब गया है। और आपको बताते हैं कि यहीं पर अगर नाले की भी पानी है तो नाले पर भी तो ध्यान देना चाहिए। आपको साइड से दिखाते हैं कि अगर ये नाले की पानी है फिर भी नाला इतना गंदा क्यों है, कहीं से पानी जाने का रास्ता क्यों नहीं है? आपको जूम इन करके हम दिखाते हैं कैमरे के माध्यम से कि कहीं से भी पानी जाने का रास्ता नहीं है, यही कारण है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कहीं से भी पानी जाने का रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाला है जहाँ पर पानी क्रॉस होता है, लेकिन यहाँ पर भी पूरा का पूरा मिट्टी से नाला कवर हो चुका है, पानी जाने का जगह तक नहीं है। तो पानी जाएगा कहाँ से? दूसरा नाला आप देख सकते हैं, दूसरा नाला कवर कर दिया गया है, यानी कि कहीं से भी पानी जाने का जगह यहाँ पर नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की स्थिति बद से बदतर है। सामने देखिए रोड भी, रोड की हालत क्या आप देख सकते हैं, बरसात ना कहकर हम बस रोड की ही बात करें तो यही हालत पटना की है। तो इस वक्त मौजूद है बिहार की राजधानी पटना में, स्मार्ट सिटी और ड्रीम सिटी की बात की जाती है, लेकिन स्थिति क्या है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बस कमियां दिखा रहे हैं कि जो कमियां आप देख सकते हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है, और बिहार को असल मायने में स्मार्ट सिटी बनाने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो, देखते रहे न्यूज 24। मैंने अंदर अपने सहयोगी पिंडों के साथ, धन्यवाद।